सेल में आज के दिन हम लोग को लगभग 4% के करीब फॉल देखने मिला। स्टॉक ने क्लोज किया 135 रुपये, अराउंड 133 रुपये 50 पैसे के पास। तो यहाँ से हम लोग का क्या प्लानिंग होना चाहिए सेल स्टॉक को लेकर बात करते हैं। अगर इससे पहले का प्रीवियसली 5-3 डे का देखेंगे मोमेंटम, हम लोग को लगातार नीचे की तरफ फॉल देखने मिल रहा है। लेकिन इससे पहले स्टॉक ने एक अच्छा खासा हायर हाई टाइप का पैटर्न बनाता है, मोमेंटम दिखाता है। लेकिन स्टिल नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट है जो कि स्टॉक को होल्ड करके रख सकता है। और जहाँ से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखा के एक अच्छा मूव दिखाया था जो कि 120 रुपये का लेवल है। तो आप सबका स्टॉप लॉस मस्ट भी अराउंड 120 रुपीज़ के पास होना चाहिए अगर किस सेल में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते तो ये प्लेस भी बेस्ट हो सकता है 130 रुपये के अराउंड, क्योंकि और क्वांटिटी ऐड करने का एट द प्राइस ऑफ लो। क्योंकि इससे पहले जब भी देखेंगे स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला, नो डाउट उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा ऊपर के हम लोग को मूव भी दिखाया। तो चांसेस है यहाँ से अगर स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होके अगर एक बार स्टॉक फिर से 150 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो फिर से कुछ इस तरीके का मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ कैरी ऑन होते हुए देख सकते हैं सेल स्टॉक में, जो कि शॉर्ट टर्म हिसाब से स्टॉक में टारगेट निकल के आएगा अराउंड 160 से लेके 180 रुपये तक का। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक हम लोग को 200 से लेके इवन 300 रुपये तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बैंक करना चाहता है इस लेवल पर कर सकता है। स्टॉप लॉस ध्यान रखेंगे जो कि 120 रुपये के पास होना चाहिए, क्योंकि 120 रुपये के नीचे निकलते हैं स्टॉक अराउंड हम लोग को 100 से लेकर इवन 80 रुपीज़ तक का भी नीचे की तरफ फॉल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 120 रुपये के पास। कोई फ्रेश बैंक करना चाहता है इस लेवल पर करें या फिर 150 रुपये के ब्रेकआउट के ऊपर भी कर सकता है। तब तक के लिए इस वीडियो में, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।